नमस्कार, तनमन डॉट ओ आर जी के चैनल तनमन वीडियोस में मैं पारायणी नाड़ी वैद्य कंचन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, ठंड का मौसम चल रहा है। ऐसे में लोग उलझन में रहते हैं कि इस मौसम में कैसा आहार करें, क्या खाएं, क्योंकि इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ ठंड के मौसम में यानी सर्दियों में हमें कैसा भोजन करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर्दियों के महीनों में मनुष्य का शारीरिक बल बढ़ा हुआ रहता है और साथ ही उसके खाना पचाने की शक्ति भी प्रदीप्त रहती है। इसीलिए अच्छी तरह से भूख लगने पर मनुष्य को मधुर, अम्ल, लवण रस और स्निग्ध आहार खाना चाहिए, जिससे शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहें। तो चलिए अब जानते हैं 10 ऐसे भोजन और उनके नियम जिनका अनुपालन सर्दियों में जरूर करना चाहिए। सबसे पहले, सुबह की चाय या पानी के साथ सौंठ यानी सूखी अदरक, दालचीनी और लौंग को उबाल कर पिए। इससे शरीर को एक गर्माहट मिलेगी, शरीर के चैनल्स खुल जाएंगे और पेट भी अच्छे से साफ होगा। पानी हमेशा उबाल कर पिए यानी गुनगुना पानी पिए और उसमें हो सके तो नींबू डालकर पानी पिए। दूसरा है, स्निग्ध पदार्थ जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीजें, दही, मलाई, रबड़ी, रसगुल्ला इत्यादि खाएं। ये सब चीजें सर्दियों में आसानी से पच जाते हैं क्योंकि जठराग्नि अधिक रहती है और शरीर को पुष्ट भी बनाए रखती है। अगला है, मीठी चीजें जैसे गुड़ और गुड़ से बने हुए पदार्थ, नए चावल खाएं। मिठाइयाँ जैसे मालपुए, बेसन के लड्डू, मूंग का हलवा, गाजर का हलवा, हलवे में सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, पिस्ता मिलाकर खाएं, जलेबी इत्यादि खाएं। ये सब चीजें हमारे श्वसन तंत्र में एक स्निग्धता बना के रखती हैं, जिससे गंदा कफ जमता नहीं है और खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों से भी बचाव रहता है। अगला है, अगर आप दही खाते हैं तो दही में काली मिर्च, सेंधव लवण और भुना हुआ जीरा मिला के खाएं। दही का सर्दियों में ऐसे प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए काफी हितकर रहता है। अगला है, मूंग की दाल का और कुलथ की दाल का सूप पिए। सब्जियों में बैंगन, ककड़ी, चौलाई, मेथी, इन सबको घी में भूनकर ही खाएं। अगला है, सर्दियों में पुराने जौ, गेहूं की रोटी खा सकते हैं और साथ ही नए चावलों का भात भी इस मौसम में आराम से आप खा सकते हैं। अगला है, सर्दियों में हमेशा मसालेदार भोजन करें। मसालों में जीरा, अजवाइन, हींग, हल्दी, दालचीनी, इन सब का प्रयोग करें। हमेशा गर्म भोजन करें, लवण युक्त और घी से युक्त भोजन ही करें। इससे अगला है, जो लोग मांसाहार खाते हैं उन लोगों के लिए सर्दियों का मौसम मांस खाने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इस मौसम में हमारी जठराग्नि प्रज्वलित रहती है जो भारी से भारी भोजन को भी आसानी से पचा लेती है। इसीलिए मांसाहारी इस मौसम में जल में रहने वाले जीव जंतुओं या फिर जलीय प्रदेश में उत्पन्न होने वाले पशु पक्षियों का मांस खा सकते हैं, जो शरीर को पुष्ट करता है। इससे अगला है, सर्दियों के मौसम में मीठे फल जैसे अनार, खट्टे फल जैसे बिजौरा नींबू, गलगल, आंवला, इन सबको पुदीना, सेंधव नमक, काली मिर्च और अदरक की चटनी के साथ खाना हितकर रहता है। इससे अगला है, सर्दियों में भोजन के पहले या भोजन के बाद गन्ने के रस से बना एक विशेष प्रकार का पेय जिसको सीधू बोलते हैं, या फिर द्राक्ष यानी अंगूर से बना एक विशेष प्रकार का मद्य, इसका सेवन करना चाहिए, जो कि जठराग्नि को एक संतुलन में बनाए रखता है और काफी हितकर रहता है। ये थे 10 ऐसे भोजन और उनसे जुड़े हुए नियम जिनका प्रयोग सर्दियों में हर एक मनुष्य को करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य का संतुलन बना रहे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, यथासंभव मैं प्रयास करूंगी जवाब देने का। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।